नमस्कार, मैं प्रिया, पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में बनेगा पटना हाट। कोविड 19 के मामलों में आ रही कमी के बाद ही इस बात की पूरी उम्मीद है कि बिहार दिवस का आयोजन धूमधाम से करवाया जाएगा। इसी बीच बिहार दिवस समारोह को लेकर थीम का ऐलान हुआ है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार दिवस समारोह 2022 को जल जीवन हरियाली थीम पर आयोजित करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही बैठक में समारोह के केंद्रीय विषय पर मुहर लगी है, जिसके तहत ही मुख्य समारोह स्थल पटना के गांधी मैदान को दिल्ली हाट की तर्ज पर 3 दिनों के लिए पटना हाट के रूप में तब्दील करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पुस्तक मेला लगाने पर भी चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में सुपर कंप्यूटर पावर से लैस होगा IIT पटना। आने वाला दिन पटना IIT के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि बिहार का IIT पटना सुपर कंप्यूटर पावर से लैस होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार देश के 9 संस्थानों में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मशीन के तहत सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत ही पटना में भी अब सुपर कंप्यूटर पावर लगाया जाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जिन 9 संस्थानों में इससे लगाने की सहमति दी है, उसमें पटना के अलावा IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर दिल्ली, CTAC पुणे, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और NIC दिल्ली का नाम इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री ने किया ब्लड बैंक का उद्घाटन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वासियों को ब्लड बैंक की सौगात दे दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मां वैष्णव देवी सेवा समिति पटना द्वारा पीर बहोर थाना इलाके के दरियापुर गोला ब्रह्मस्थान मंदिर के निकट नवनिर्मित ब्लड बैंक मां ब्लड सेंटर का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के पश्चात मां ब्लड सेंटर के भ्रमण के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य अतिथियों ने मां वैष्णव देवी सेवा समिति के इस सार्थक पहल की सराहना की और उम्मीद जताई है कि ब्लड सेंटर का संचालन समाज के हित में निस्वार्थ भाव से मां वैष्णव देवी सेवा समिति परिवार करता रहेगा। अब गंगा पर बनने वाले पुल के पिलर के बीच होगी इतनी दूरी। गंगा नदी पर बनने वाले नए पुल के 2 पिलर के बीच की दूरी को लेकर बीते दिन बड़ी जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत ये दूरी कम से कम 100 मीटर तक रखनी होगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि इस दौरान ये भी साफ किया गया है कि इसकी ऊंचाई पहले से तय मानक के अनुसार ही रहेगी। बस पायों के बीच की दूरी को कम से कम 100 मीटर करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि बड़े जहाजों का आवागमन में कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर IWAI ने इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक नदी को क्लास 1 नेविगेशन चैनल भी घोषित कर दिया है। 15 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में पटना का एक शख्स गिरफ्तार। राजधानी पटना के एक शख्स को बीते दिन 15 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस युवक को गोलघर के पास छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे अपने साथ हरियाणा लेकर रवाना हो गई है। गिरफ्तार शख्स की पहचान गांधी मैदान थाना क्षेत्र निवासी सलीम नारायण के रूप में हुई है। सलीम नारायण 15 करोड़ की धोखाधड़ी के कारण एक मामले में आरोपी है, जो कि हरियाणा के करनाल में फूसगढ़ और इंद्री में टाउनशिप के दरबान से जुड़ा हुआ है। पटना वुमेन्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे फेस्टिवल होगा इस दिन से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी कि 7 से 9 मार्च तक पटना वुमेन्स कॉलेज में 3 दिवसीय इंटरनेशनल केमिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है, जिसका नाम ओजस्विनी दिया गया है। इसमें भाग लेने के लिए छात्राएं अभी से ही रजिस्ट्रेशन कराने में जुट गई है। कॉलेज की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 2 मार्च तक वेबसाइट पर पंजीयन होगा। इस दौरान इंटर कॉलेज के प्रतियोगिता होगी और इसका विषय है IM कमला, कमला भसीन की आइडियोलॉजी को समझना। कार के टूटे शीशे से बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राजधानी पटना से भी कई प्रतिभा आज देश भर में और देश के बाहर भी बिहार का मान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के शुभम वर्मा ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पटना के शुभम वर्मा ने हाल ही में टूटे शीशे से कलाकृति बनाई थी, जिसके बाद ही उनके इस कलाकृति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। शुभम ने निफ्ट पटना से फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज में स्नातक की पढ़ाई की है और शुभम सेंटर ग्लास आर्ट बनाते हैं। वो कबाड़ की गाड़ी के टूटे हुए शीशे इकट्ठा करके अपनी कलाकृति को पेश करते हैं। इससे उन्होंने कई नामचीन हस्तियों के लिए भी टूटे हुए शीशे पर कृतियां अब तक बनाई हैं। राजधानी पटना में मिले कोविड 19 के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के
9 मरीज की पुष्टि हुई है, जो कि कल कुल मिलाकर 118,212 सैंपल की जांच के बाद सामने आए हैं। वहीं बिहार भर की बात करें तो बिहार भर में कुल मिलाकर 59 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बिहार में 320 पर पहुंच गई है। पटना में वाहनों की संख्या में हुआ भारी इजाफा। राजधानी पटना में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, जिसके अनुसार पटना में वाहनों की संख्या में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। राजधानी स्थित बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर के समीप के इलाके की बात करें तो साल 2016 में इस आवासीय इलाके में जब सर्वे हुआ तो दिन में ध्वनि प्रदूषण का आंकड़ा 57 डेसिबल था और रात में 56, लेकिन यहां दिन में 47 डेसिबल और रात में 41.8 डेसिबल का फिलहाल शोर है। हालांकि राहत की बात यह है कि ध्वनि प्रदूषण तो कम हुआ है, लेकिन वाहनों की संख्या में जबरदस्त तरीके से इजाफा देखने को मिला है। ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा ने ली राजद की सदस्यता। अपने दादा के 100वीं जयंती पर कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा ने राजद का दामन थाम लिया है, जिसके तहत बीते दिन ऋषि मिश्रा ने तेजस्वी यादव के समक्ष राजद की सदस्यता ग्रहण की। राजद के दामन को थामते ही ऋषि मिश्रा ने कहा कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार के नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की बुराई करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में काम करने का माहौल नहीं बचा, बेरोजगारी के मुद्दे की लड़ाई तेजस्वी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ी जाएगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,440 रुपए है, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,640 रुपए है। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,100 रुपए है। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस वहीं न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के माहौल में आ रही कमी के बाद क्या पट्टावासी अभी भी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।